नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जहां से भी आपके सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यहां से आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बिकॉज अभी भी आपका ये करेंट में ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हम यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। विश्व कप 2019 शुरू कब हुआ, उसका फाइनल कब है, सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम पहुँची, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ये सभी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। कह रहा है आपका जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2019 में, आपका अभी फिलहाल वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पांच ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत, इंग्लैंड, वेल्स, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड और वेल्स। तो इन पांचों ऑप्शंस में आपको जो भी आंसर्स लग रहे हैं, आप चाहे तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो है उसका आयोजन जो है इंग्लैंड और वेल्स, ये दोनों देश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे से आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितने टीमें भाग लेंगी। कह रहे जो आपका वर्ल्ड कप 2019 हुआ उसमें कुल कितने टीम भाग लेंगी। आपके ऑप्शन है 10, 9, 8 एंड 7। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 की, तो इसमें कुल 10 टीमें भाग ली हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो फाइनल मुकाबला है वो आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है किस स्टेडियम को हम क्रिकेट के मक्का के नाम से जानते हैं। तो क्रिकेट के मक्का से के नाम से जो है हम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को ही जानते हैं, और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे आपको फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नेक्स्ट है, अभी तक सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो अगर सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, कुल इसने 5 वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी तरीके से, तो भारत ने अब तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 जीते हैं, भारत ने अब तक कितने जीते हैं, तो भारत ने अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके बारे में कौन कौन से ईयर में जीते हैं ये सब हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया के कैप्टन कौन है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 की, तो उसमें आपके टीम इंडिया के कैप्टन है विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच कब हुआ। तो वर्ल्ड कप 2019 का जो फर्स्ट मैच है वो आपका 30 मई को हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम बात करें कि इसका आखिरी मैच कब होगा, जो कि आपका फाइनल मैच होगा, तो आखिरी मैच जो है हमारा 14 जुलाई को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें तो विश्व कप 2019 विश्व कप का कौन सा संस्करण है। कह रहा है आपका जो वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है वो पूरे वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, तो ये आपका 12वां संस्करण है। नेक्स्ट है इसी तरीके से क्वेश्चन, ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है। तो अगर बात करें ICC रैंकिंग की, तो नंबर 1 बल्लेबाज हैं आपके विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम बात करें नंबर 1 गेंदबाज की, तो वो हैं आपके जसप्रीत बुमराह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसी तरीके से, 2019 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम कौन सी है। तो अगर हम बात करें ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम की, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो उसमें अगर हम बात करें तो भारत जो है ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा आपको जो है बनाने वाली टीम है, सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम है। अब अगर बात करें तो विश्व कप 2019 में भारतीय टीम के कोच कौन है। तो विश्व कप 2019 में हमने ऊपर देखा कि भारतीय टीम के कैप्टन जो है विराट कोहली। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कोच कौन है, तो कोच है आपके रवि शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम पहुँची है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या इनमें से सभी। तो अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप 2019 में भारत भी पहुंच गई है, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गई, इंग्लैंड भी पहुंच गई और न्यूजीलैंड भी पहुंच गई है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट है, हमने ऊपर देखा कि ग्रुप स्टेज में जो है सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम है इंडिया। अब आपसे पूछा है कि ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, तो वो हैं आपके रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो वर्ल्ड कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो वर्ल्ड कप के किसी भी एक संस्करण में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। इन्होंने कुल कितने शतक लगाए थे, तो कुल 5 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले बने बल्लेबाज, तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है इन्होंने कुल 4 शतक लगाए थे, और कब लगाए थे, तो 2015 में। और बात की जाए तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कुमार संगकारा जो है आपके श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई, तो अगर बात करते हैं क्रिकेट की शुरुआत की तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसी तरीके से है पहला क्रिकेट वनडे मैच कब खेला गया, तो अगर पहले क्रिकेट वनडे मैच की बात करें तो ये आपका 1971 में खेला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सीके नायडू, शक्तिकांत दास, अरविंद यादव और मुकेश रस्तोगी। तो अगर बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन की, तो वो हैं थे आपके सीके नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर हम बात करें तो लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगर बात करते हैं यहीं से मास्टर ब्लास्टर के बारे में, तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, तो हमने देखा कि ये आपके इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें 2023 की, ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये भारत में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2015 की बात करें तो 2015 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो आपको ICC के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर बात करेंगे हम तो ICC के चेयरमैन कौन है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं मनोज सहनी, शशांक मनोहर, राहुल जौहरी और स्टीव वकनर। तो अगर हम बात करते हैं ICC के चेयरमैन के, तो ये हैं आपके शशांक मनोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगर बात करें ICC के CEO के, तो वो हैं आपके मनु सहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है CEO अगर पूछे तो वो मनु सहनी हो जाते हैं, और चेयरमैन की बात करें तो शशांक मनोहर। फिर हमसे पूछेगा ICC का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर बात करें तो BCCI के चेयरमैन कौन है, तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं CK खन्ना, अरुण गोयल, कुलदीप त्यागी और अनिल कुंबले। तो अगर बात करें BCCI के चेयरमैन के, तो ये हैं आपके CK खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करें तो BCCI के CEO कौन है, तो आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए BCCI के CEO के, तो वो हैं आपके राहुल जौहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अगर हम बात करते हैं ICC वनडे रैंकिंग की कि प्रथम स्थान पे आपके कौन सा देश है, तो ये है आपका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और भारत जो है आप हमारा सेकंड पे जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो अगर टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे है हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर बात करें तो पहला वर्ल्ड कप, अब अगर बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड कप की, तो सबसे फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया, तो यह कब आयोजित किया गया, तो 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बात की जाए तो 1975 में आयोजित किया गया, लेकिन उसमें विजयी टीम कौन बनी, तो 1975 में जो विजयी टीम बनी थी वो थी आपके वेस्ट इंडीज़, और अगर उप विजेता की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया थी।
फिर अगर हम बात करें तो 1975 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो भारतीय टीम के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। फिर अगर हम बात करें तो 1975 के वर्ल्ड कप का आयोजक देश कौन सा था, तो ये आपके वर्ल्ड कप के अगर हम आयोजक देश की बात करते हैं तो ये आपका था इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता था, तो सबसे पहले जो भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले जब वर्ल्ड कप जीता गया था तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता गया था तो भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, जब दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता गया तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो जब भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीती थी तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान जो थे वो थे आपके MS धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये कब जीता गया, तो 2011 में जीता गया था। फिर अगर बात करें तो विश्व कप जो 2011 हुई, जिसमें दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, तो मैन ऑफ द सीरीज थे युवराज सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही।